पानीपत में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पिंक मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने यह मैराथन वीर शहीदों के नाम समर्पित करते हुए बीच बीच में मैराथन में भाग लेने वाली महिलाओं का भारत माता की जय और सशक्त महिला भारत के उद्घोष से हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के नाते बहुत से कार्यक्रम किए हैं, लेकिन इस तरह का मौका पहली बार आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी यहीं से शुरू किया था। एक प्रकार का महिला दिवस इस दिन को मनाया जाता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूएनओ ने भी इसको मान्यता दी है, अपने देश में भी हर जगह हर प्रांत में हर शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस बार हमने एक विशेष प्रायोजन अपने प्रदेश में पानीपत में के महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की एक मैराथन जिसको हमने पिंकाथन का नाम दिया, पिंकाथन 2019। इसमें लगभग 50,000 हमारी बहनें बेटियां माताएं वो सब आज एकत्र हुई। एक अच्छा आयोजन किया गया है। इस प्रकार के मैराथन से अच्छा संदेश आता है, एकता का संदेश आता है, महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं के सशक्तिकरण का ये संदेश आता है। हमने जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी मैदान से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू किया था, जिसके अच्छे परिणाम आए। हमारी जेंडर रेशियो बढ़ गई, पढ़ाई के नाते से भी हमने 34 नए महिलाओं के कॉलेज वो खोले हैं और हमारी महिलाओं की प्रगति हर दिशा में, चाहे वो स्पोर्ट्स है और चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो सरकार प्रशासनिक सेवाएँ हैं, हर क्षेत्र के अंदर महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं का उत्साह बढ़ा है। मैं चाहूँगा हरियाणा के अंदर महिलाएं हर प्रकार से आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं। पानीपत को भी इसका श्रेय जाता है कि पानीपत हर प्रकार के चैलेंज को वो स्वीकार करता है, वो चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं का उत्थान हो, चाहे विकास की बात हो। हमारे यहाँ पानीपत का जो एक नाम है, इतिहास है बना हुआ, वर्ल्ड का एक जिसको कहना चाहिए फेमस पानीपत शहर है। इस पानीपत शहर के तरक्की के लिए हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं और इसी प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से पानीपत का जो नाम है। और चंडीगढ़ से आज प्रकाश टीवी।